नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। एक का बर्थ हुआ, दूसरा उसका जोड़ा रुदन, तरुण रुदन कर रहा था। रुदन को सुन करके आज का बाल्मीकि का शोक कविता के रूप में, श्लोक के रूप में फूट पड़ा और आदिकाव्य की रचना हुई। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्गार में, उद्बोधन में आम जनता की जिस पीड़ा दर्द को व्यक्त किया और ये बताया कि ये कोई समस्या नहीं है, उसका कारण नहीं है, उसका हक और अधिकार है और एक लोकसेवक वह केवल भाषणों का मुद्दा न बने बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी उसे हम सब देख सकें। इन सब के लिए टेक्नोलॉजी आज के प्रपेक्ष में कार्य के परित विस्तारण को लेकर के, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने को लेकर और समयबद्ध तरीके से मेरिट के आधार पर किसी भी कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने की दृष्टि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार 2005 इसी उद्देश्य से देश के अंदर लागू किया गया था कि कोई भी व्यक्ति शासन से संबंधित किसी भी कार्य को अपने उस अधिकार का सही उपयोग करते हुए शासन से जानकारी हासिल कर सके। अक्सर होता है हम घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन सामान्य जीवन में हमें देखने को क्या मिलता है। एक मामले को कोई व्यक्ति निस्तारित करने के लिए भेजता है या शासन में या किसी भी संस्थान में, तो वर्षों वर्षों उन कार्य को वहां पे लगता है। मैं अक्सर शासन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों की बातों को देखता हूं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम किसी नागरिक के जीवन में कितना आसान और सुगमतापूर्ण तरीके से उसके जीवन को हम एक नई राह दिखा सकते हैं। ये मुझे अक्सर शासन के विभिन्न कार्यों में देखने को मिलता है। आप पहले देखते रहे होंगे राजस्व से जुड़े हुए मामले, कितना देर होता था वरासत के मामले, पिता के बाद उसके पुत्र को वरासत स्वतः स्फूर्त भाव के साथ एक ऑटो मोड में होना चाहिए लेकिन वह कुछ चंद कार्मिकों और अधिकारियों के अकर्मण्यता और उनके अनिर्णय के कारण वर्षों वर्षों फंसा रहता है और फिर वर्षों वर्षों फंसने का मतलब उसमें नए विवाद खड़े होते हैं, नए लोग दावेदार खड़े होते हैं और छोटे से, यानी जो छोटी सी समस्या, छोटी कोई समस्या नहीं थी, एक हक था, एक अधिकार था, उस अधिकार में नए दावेदारों का आने का मतलब एक नया विवाद खड़ा होना।